21 नवंबर को पूरे देश में 3 स्थानों पर निश्चित हुआ है, उसे 4 स्थान पर निश्चित हुए हैं। हाँ, 3 स्थानों पर, एक तो अयोध्या, दूसरा नागपुर, तीसरा बंगलौर। जी, तीनों स्थानों पर धर्म सभा करेंगे। जी, भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए जी के अंदर अध्यादेश लाकर बिल पास करके कानून बना करके और राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। जी, कोर्ट की प्राथमिकता में है ही नहीं, कोर्ट ने पहले ही उसको एक तरीके से टाल दिया विषय को। हाँ, और इस तरह से टाला है कि इस टालने से आज हिंदू समाज में बड़ा मर्माहत है। हाँ, बहुत कष्ट में है। जी, और इसमें नहीं है, गुस्से में भी है। जी, तो ऐसे में हिंदू समाज की भावनाओं को देखते हुए एक धर्म सभा करके और हम यहाँ मांग करेंगे कि कोर्ट की उपेक्षा पूर्ण रवैये के कारण जो है, अब कोर्ट पर कोई वो नहीं है कि वो निर्णय देंगे और हिंदू समाज अब प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं है। जी, इसलिए संसद के अंदर बिल या प्रस्ताव पास करके और कानून बनाकर और मंदिर का निर्माण प्रारंभ करें। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार पर राम मंदिर निर्माण को लेकर के फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में 25 नवंबर को 2 लाख राम भक्तों को एकत्र कर सम्मेलन करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद नागपुर और बेंगलुरु में भी इसी दिन सम्मेलन करेगी। 9 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन किया जाएगा जिसमें देश भर के लोग आएंगे। परिषद जो है सरकार पर दबाव बना करके चाहती है कि इसी सरकार में मंदिर का निर्माण हो जाए। दरअसल केंद्र और राज्य दोनों जगह पर भाजपा की सरकार होने के नाते इस पर ज़्यादा दबाव बन गया है। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ETV।